औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पार्ट दो, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को यह सुनकर सदमा पहुंचा कि उनके बाप इनकी जुदाई के गम में बिनाइक हो चुके हैं, साथ ही अपने छोटे भाई की भी फ़िक्र लाहक हुई। आपने अपने भाइयों से कहा, तुम लोग कनान से आए हो, मुमकिन है कि तुम्हें यहाँ के कानून का इल्म ना हो। गल्ला सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो यहाँ मौजूद होते हैं। इस बार तुमको माजूर बाप और भाई के हिस्से का गल्ला दे दिया जाता है, लेकिन आइंदा जब गल्ला लेने आओ तो अपने बाप और भाई को भी साथ लेकर आना। भाइयों ने कहा, हमारे वालिद तो बेटे के गम में गोशा नशीन हो गए हैं, दूसरे ये कि वह आँखों से भी माजूर है, इसलिए हम माजरत ख्वाहें। छोटा भाई बाप की खिदमत में लगा रहता है, वो भी उसे खुद से दूर करना गवारा नहीं करते। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बाप की माजूरी का अज़र कबूल कर लिया, लेकिन भाई के ना आने की वजह को कबूल ना किया और कहा कि तुम्हारे भाई को अपने हिस्से का गल्ला लेने यहाँ आना पड़ेगा, अगर वो नहीं आया तो तुमको भी गल्ला नहीं दिया जाएगा। मिस्र से वापसी पर तमाम भाई अपने नाबीना बाप के पास पहुँचे और उन्हें वली मिस्र के हुक्म से आगाह किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर कहा, क्या तुम पर इस तरह एतमाद करूँ जिस तरह इसके भाई यूसुफ़ के मामले में कर चुका हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल का सुकून बिन यामीन था। आंखों की रोशनी से महरूम होने के बाद बिन यामीन ही बाप की ज़रूरत का ख्याल रखता था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बाप का जवाब सुनकर शर्मिंदा हुए और बड़े भाई ने नहायत आजिज़ी से कहा, आपको हम पर एतमाद नहीं रहा, लेकिन हम मजबूर हैं। अगर आपने बिन्यामीन को हमारे साथ नहीं भेजा तो किसी को भी गल्ला नहीं मिलेगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से इस बात का वादा लिया कि वो बिन्यामीन को सही सलामत बाप के पास लेकर आएंगे। दूसरी मरतबा बरादरान यूसुफ़ का काफ़िला जब मिस्र रवाना होने लगा तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को नसीहत की कि देखो, एक साथ जत्था बनाकर शहर में दाखिल ना होना, बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से एक एक दो दो दाखिल होना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेटों को ये बात नसीहत इस वजह से की थी, जब वो पहली बार मिस्र दाखिल हुए तो जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिए गए थे और बाद अज़ा इल्ज़ाम साबित ना होने पर रिहा हो गए थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जानते थे कि इनके भाई जो गल्ला लेके गए हैं वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि इतनी मुद्दत के बाद भाइयों को दोबारा गल्ला लेने आना चाहिए। भाई के इंतज़ार में वो शहर के बाहर भी चक्कर लगाया करते थे। बिलआख़िर बरादरान यूसुफ़ पहुँच गए और बाप की नसीहत के मुताबिक अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल हुए, फिर एक जगह जमा हो गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें शाही मेहमान खाना में ठहराया और अपने सगे भाई बिन्यामीन को तन्हाई में तलब करके उसे हकीकत हाल से आगाह कर दिया। बाप की खैर खबर मालूम की और अपनी सारी रौदात सुनाई। बाप से जुदाई से लेकर अब तक सारा किस्सा भाई को सुनाया और ताकीद की कि दूसरे भाइयों पर इस राज को आशकारा ना किया जाए कि मैं ही इनका भाई हूँ।